आशिक इज ऑल अबाउट सोल रियलाइजेशन, क्योंकि आप अपने सोल के रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हो, करेक्ट? आपके जर्नी में क्या क्या हुआ है? कुछ लोग बोलते हैं कि मैम मेरा कर्मा है इसलिए मैं ये भोग रही हूं। सो अगर कर्मा है एंड यू एक्सेप्ट दैट ये कर्मा है, इसीलिए आप लोग इस क्लास में आए हो। अभी 10-15 मिनट पहले एक फोन आया था, मैम मेरा ना 30 लाख रुपए का कुछ हो गया है, तो मुझे आना भी है इस क्लास में और नहीं भी आना है। मेरा रिकॉर्ड खुलेगा या नहीं खुलेगा ये मुझे नहीं पता, तो मैं आऊं या ना आऊं? हु एम आई टू डिसाइड कि वो आए या ना आए? मुझे एक बात बताओ, दिस इज उसका सोल डिसाइड करेगा कि आकाशिक उसको करना है नहीं करना है, और उन्होंने पहले भी कहीं से आकाशिक किया हुआ है। बट स्टिल व्हाट आई वुड से इज, मार्केट में जो मैं भी देख रही हूँ कौन कौन क्या क्या पढ़ा रहा है, आई एम सॉरी टू से कुछ लोग ही हैं जो जेन्युइनली पढ़ा रहे, बट बहुत लोग बहुत खराब कर रहे हैं इसको। सो दैट इज नॉट आकाशिक, प्लीज डोंट गेट इन टू दैट ट्रैप कि आकाशिक का नाम सुनते कोई भी पढ़ा देता है। नो, दैट इज नॉट आकाशिक। इनफैक्ट सिर्फ रिकॉर्ड ओपन करना सिखाना इज नॉट आकाशिक। अगर आप मेरे पास आ रहे हो तो एक प्रॉब्लम के साथ आ रहे हो, तो मैं सिर्फ आपको आपका रिकॉर्ड ओपन करके बोल दूं कि ये आकाशिक का मेरे को दिख रहा है, पास दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो वो तो आपको पता ही है, राइट? आपका प्रॉब्लम तो आपको पता ही है, बट आप किसी के पास आते क्यों? आप सब कोई ना कुछ प्रैक्टिस जरूर कर दो। हर कोई आपके पास प्रॉब्लम लेके आता है, तो आप सॉल्यूशन देते हो नहीं देते हो, या सिर्फ प्रॉब्लम सुन के उस प्रॉब्लम को और बड़ा बना के भेज देते हो? देन दैट पर्सन विल नॉट कम टू यू, दैट इज नॉट हीलिंग। सो रिकॉर्ड खोलना आए ना आए, बट हीलिंग जरूर काम करता है, बिकॉज ये आपका सोल का रिकॉर्ड ओपन होता है जब आप का, मैं ये पूरा पीडीएफ दूंगी, आपको फील हो ना हो बट यू आर इन दैट एनर्जी फील्ड, एंड जब आप उस एनर्जी फील्ड को महसूस करोगे आपके सारे सेंसिटिव ऑर्गन्स विल गेट ओपन। सी, कोई भी क्लेवॉयंट बोलते हैं, व्हाट इज क्लेवॉयंट? थ्रू इंट्यूशन, तो इधर से आता है त्रिनेत्र से। क्लेयर ऑडियंस बोलते हैं, वो कौन होते हैं? ईयर्स से, राइट? ऐसे सारे जो क्लेयर्स बोलते हैं, स्मेल से, सेंसिटिविटी से, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम योर सेंसरी ऑर्गन्स, राइट? सो व्हेन यू गो इनटू योर आकाशिक, एनी ऑफ योर सेंसरी ऑर्गन्स विल रिस्पॉन्ड टू यू, बिकॉज ये कोर्स जब कोई करता है वो आकाशिक वर्ल्ड में जाता है। इट्स लाइक यू नो यू आर गोइंग इन टू योर ओन हाउस, बहुत जन्म बाद आप जा रहे हो अपने घर पे। अब वहां पे आपको कौन से एंजल मिलेंगी, वो आपसे कैसे बात करेंगी? वो मेरी तरह हिंदी में नहीं बात करेंगी आपसे, ना वो इंग्लिश में बात करेंगी। वहां पे जो भाषा है वो इंट्यूटिव भाषा है, थ्रू सेंसरी ऑर्गन्स। दे कैन टच, दे कैन शो यू सम फ्लावर्स, दे कैन शो यू सम काइंड ऑफ फ्लैश, दे विल गिव यू सम स्मेल, या वो आपको कोई नंबर्स दिखाएंगे, एनीथिंग टू इंप्रूव योर इंट्यूटिव पावर। सो इंट्यूटिव पावर्स हम सबके अंदर होते हैं, चाहे आप मानो ना मानो, हम सबके अंदर वो गट फीलिंग होता है, इवन इन एनिमल्स। एनिमल्स में ज्यादा होता है, हम में कम होता है। क्यों? क्योंकि वी आर सराउंडेड बाय सो मेनी थॉट्स। बिकॉज ऑफ दीज थॉट्स हमारा जो इंट्यूटिव पावर है, हम खुद उसको ब्लॉक लगा देते हैं, बिकॉज ऑफ आर ओन कंफ्यूजन, आर ओन डाउट्स। बट एनिमल्स में वो डाउट नहीं होता। अगर उन्होंने श्रुति से प्यार करना है तो करना है, वो डाउट नहीं करेंगे कि श्रुति जो है उसको मारेगी नहीं मारेगी। नो,
इज नो डाउट, बट हम डाउट करेंगे अच्छा आकाशिक ओपन होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा पूरे कोर्स में। ऑब्वियसली मुझे भी टेंशन हो जाता है जब किसी स्टूडेंट का नहीं ओपन होता है, एज ए टीचर हमें भी टेंशन होता है, बट वी कांट हेल्प इट। आपके इंट्यूशन को मैं कोई कैप्सूल आपके घर पे नहीं भिजवा सकती कि आप ये कैप्सूल खा लो आपका ओपन हो जाएगा। इंट्यूशन डजंट वर्क लाइक दैट, बट सबके अंदर होता है। इट्स योर ओन थॉट जो आप ब्लॉक कर रहे हो, उसको हम क्लीन करेंगे, मैं क्लेंस करेंगे।